मैंने चढ़ते हुए सूरज को भी ढलते देखा है। वाह क्या बात है। मैंने चढ़ते हुए लश्कर फिरौन को टिंके के मानिंद समुंदर में बहते देखा है, नमरूद का अंजाम भी देखा है, ईसा की मसीहाई भी देखा, मूसा की ऐसा भी देखा है। सुनाओ हाले जमाना, अब तो मुश्किल है भाईचारगी को बचाना, क्योंकि हक के बदले लाठियां और रोटी के बदले गोलियां, क्या ऐसी तोहफा मिला है हमको मोदी आने के बाद। क्या बात है। हम एक हिंदू है, यदि अमजद का पड़ोसी का घर में यदि खाना नहीं बने तो ऐसा हिंदू होकर हमको मतलब नहीं है। इस्लाम मजहब या कोई भी मजहब आलम इंसानियत किसी का लिंचिंग नहीं सिखाता है। क्या बात है भैया। जो बीजेपी संप्रदायिकता का राजनीति करता है, जात पात में लड़ा कर राजनीति करता है। देश आजाद होते वह 75 साल अभी भी तुम्हारे दिल में नहीं आया माइनॉरिटी का ख्याल। माइनॉरिटी ने दिया मिसाइल, APJ अब्दुल कलाम पे कर्म करते हो और माइनॉरिटी पे सितम करते हो। हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता, रोटियां तेरे भी घर में बनती है, रोटियां मेरे भी घर में बनती है, पानी की कोई जात नहीं होती, जहां इंसानियत जिंदा हो वहां मजहब की बात नहीं होती। देश में मौजूदा हालात और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल को लेकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में हमने कोलकाता में कुछ लोगों से बातचीत किया, तो आइए सुनते हैं उन्होंने बीजेपी सरकार और इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा है। जो बीजेपी संप्रदायिकता का राजनीति करता है, जात पात में लड़ा कर राजनीति करता है, इसलिए हर एक जात जो सेकुलर पार्टी है, पूरे इंडिया में जो सेकुलर पार्टी है, सब सेकुलर पार्टी एक होकर मोदी का खिलाफ हम लोग का लड़ाई है। भारतवर्ष का सेकुलरिज्म के ऊपर, भारतवर्ष में जैसे सेकुलरिज्म रहे और सेकुलरिज्म रहने के लिए ये इंडिया गठबंधन है। मैं हिंदू है, यदि अमजद का पड़ोसी का घर में यदि खाना नहीं बने तो ऐसा हिंदू होकर हमको मतलब नहीं है। हिंदू का मतलब होता है, सनातनी का मतलब होता है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो अहिंसा का प्रतीक है। आप स्वामी विवेकानंद हमारे धर्म में, रामकृष्ण से हमको धर्म सीखना है, हमको स्वामी विवेकानंद से धर्म सीखना है, हमको नरेंद्र मोदी और अमित शाह से तो हिंदू धर्म सीखना नहीं है। जो हिंदू हिंदू राष्ट्र में खुश हो रहे हैं वो कैसे हिंदू है, कौन हिंदू है वो? वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी को यदि जानता, हिंदुत्व को यदि जानता तो ऐसा सवाल आप हमसे नहीं करते। हिंदुत्व का मतलब है सबको लेकर एक साथ चलने का, नाम ही हिंदुत्व है। हिंदुत्व हमें सिखाया है पड़ोसी, जैसे इस्लाम हमें सिखाया है इस तरह हिंदुत्व भी सिखाया है। यदि इंसान का सेवा नहीं किया, इंसान का संग मोहब्बत नहीं किया तो कोई धर्म नहीं बच सकता। तो हालात पे एक बात बोलेंगे, देश आज़ाद होते वह 75 साल अभी भी तुम्हारे दिल में नहीं आया माइनॉरिटी का ख्याल। माइनॉरिटी ने दिया मिसाइल, APJ अब्दुल कलाम पे कर्म करते हो और माइनॉरिटी पे सितम करते हो। वाह वाह वाह। और आप बोल रहे हैं कि हालात, तो क्या सुनाऊँ मैं हाले ज़माना, अब तो मुश्किल है मेजोरिटी माइनॉरिटी इतना हो गया है। इसलिए मैं एक शेर बोलूँगा कि क्या सुनाऊँ हाले ज़माना, अब तो मुश्किल है भाईचारगी को बचाना, क्योंकि हक के बदले लाठियाँ और रोटी के बदले गोलियाँ, क्या ऐसी तोहफा मिला है हमको मोदी आने के बाद। क्या बात है। मतलब लोगों का कहना है कि 2014 के बाद आज़ादी मिली, असली आज़ादी ये उनका मानसिकता है जो कह रहे हैं। जैसे आज बीजेपी कह रहा है कि सब एक तरफ है, बीजेपी सिर्फ एक तरफ है और पूरा सब मिल के, तो देश आज़ाद के टाइम पे ब्रिटिश अलग था और सारे जात सारे कास्ट सारे हिंदुस्तानी हर स्टेट मिल के लड़ा था तो देश को आज़ादी मिला था। आज वही लड़ाई फिर आ गया है ज़मीन पर। अब देखते हैं 2024 है क्या होता है, जो होना है वो तो आएंगे 24 में। अरे बोल दिया तो नहीं आएगा, मोदी जी का आने का सीन नहीं है। अंग्रेज 1942 साल में हम लोग एक आवाज़ उठाया था, ब्रिटिश भारो छारो, तो आज हम लोग आवाज़ फिर से उठा दिया। हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक भाषा के लोग इंडिया जोट का माध्यम में एक ही आवाज़ उठा, मोदी तुम ही अगर भारो छाड़ो, भारत बस से इंडिया गठबंधन आज में। हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता, रोटियां तेरे भी घर में बनती है, रोटियां मेरे भी घर में बनती है, पानी की कोई जात नहीं होती, जहां इंसानियत जिंदा हो वहां मजहब की बात नहीं होती। रहेंगे हम गले से गले मिलकर, मिलेंगे हम भगत अशफाक बिस्मिल बनकर, मरेंगे हम अब्दुल हमीद बनकर, मजहब के नाम पे कोई वरगलाए ना हमको यहां पर, हम जमाने को दर्स मोहब्बत सिखाएंगे किताबे मोहब्बत की औराक बनकर। जैसे एक दूसरे को मार दे रहे हैं, इसके ऊपर क्या बोलेंगे?
देखिए, ये रंगों और दंगों के नाम पर सियासत करने वाले, ये भी वो नारंगी सियासतदान है जो भारत माता की जय श्री राम की नारों की शोर में इंसानियत की लिंचिंग करते हैं, जबकि इस्लाम मज़हब या कोई भी मज़हब आलम इंसानियत किसी का लिंचिंग नहीं सिखाता है। क्या बात है भैया, तो क्या फिर से मोदी जी आने की संभावना लग रहा है? सोशल मीडिया में तो यही दिख रहा है। देखिए, कुदरत की पकड़ इंसान की अकल पल में धूल चढ़ा देता है। वो जो कहते हैं ना कि मैं गुमान हूँ, मैं सूरज को रोशन करके जो मैं वो रोशनी जो कभी नहीं भूंजूंगा, तो मैं यही कहता हूँ कि मैंने चढ़ते हुए सूरज को भी ढलते देखा है। क्या बात है? मैंने चढ़ते हुए लश्कर फिरौन को टिंके के मानिन समुंदर में बहते देखा है, नमरूद का अंजाम भी देखा है, ईसा की मसीहाई भी देखा, मूसा की ऐसा भी देखा है। और मगरूर अपनी उड़ान की हस्ती पे इतना घमंड ना कर, उड़ान जमी से शुरू होती है, जमी पे खत्म होती है। मोदी जी ने तो कौन, बेशक इंडियन अलायंस के साथ हम एक मजबूत कदम, हाथों में कलम और वतन हिंदुस्तान की कसम के साथ, एक नई चट्टानी और फौलादी इरादों के साथ हम आगे बढ़े हैं। ना हम रुकेंगे, ना हम दबेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम टूटेंगे। हम इस कदम के साथ हम आगे बढ़े हैं कि नारंगी सियासतदान को हमें चूर चूर करना है, इनके घमंड को चूर चूर करना है। और हम एक भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक कारवाने काफिला लेकर मगरूर हुक्मरानों से मुकाबला करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक का एक फासला तय किया है।